हाँ जी, तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो पिछले दिन जैसे कि आप सब जानते हैं, हर जगह कोई बारिश हुई, बारिश में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हुई, कहीं पे कम हुई कहीं पे ज़्यादा हुई, और एक हफ्ते तक चलती रही। तो बारिश आने के बाद सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का नुकसान हो, वैसे तो बारिश ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, हर जगह पर नुकसान किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो इलेक्ट्रिक एम्पायर वगैरह जो बिजली पे चलने वाली चीज़ें हैं उसी का था। मतलब वॉशिंग मशीन हो गई, ये टोके वाली मशीन हो गई, या जो घर में इस्तेमाल होती है पानी वाली मोटर हो गई, इन चीज़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ। और आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएँ, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएँ, तो वहाँ ऐसी चीज़ों की भरमार लगी पड़ी है। तो खैर, कहने का मतलब ये कि मेरी स्टोरी आज कल ब्लॉग भी कुछ इसी के बारे में है। तो हमारी भी घर की मोटर होगी ख़राब, पिछले 3 4 दिन एक हफ्ते से ख़राब भी पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो बनवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को दिखाते हैं। तो मोटर उठाई और चल पड़े इलेक्ट्रिशियन के पास। और हमेशा की तरह इस ब्लॉग में मेरा पार्टनर जो मेरे साथ होता है हैदर, वो भी मेरे साथ था। तो हम चल रहे इलेक्ट्रिशियन के पास और मोटर उठाई और ब्लॉग किया स्टार्ट हमने। कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। तो पिछले कुछ दिनों से बारिश थी, जिसकी वजह से काफ़ी इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं बिजली की चलने वाली ख़राब होगी, जिसमें सर्फ फ्रेश बिजली वगैरह होगी, वॉशिंग मशीन होगी, तो ये होगी थी ख़राब। वॉशिंग मशीन तो खैर दिया है था मिस्त्री को बनने के लिए, तो उसने अभी तक बनाई नहीं, लेकिन आज फिर मोटर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मोटर ज़रूरत होगी पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं ये बनती है या नहीं बनती, लेकिन भगवान से पड़ेगी, क्योंकि पानी का काफ़ी मसला हो रहा है। पानी के लिए मोटर ख़राब है, तकरीबन एक हफ्ता हो गया, बारिश के बाद ही ख़राब हुई थी। तो अभी जा रहा हूँ मिट्टी के पास, देखता हूँ क्या रोल है, क्या मसला है, क्या ये क्या क्यों नहीं चल रही। तो हमेशा की तरह सफ़र में आज भी अमाद और ये छोटी ज़ारा, ये दोनों हमेशा हर सफ़र में साथ ही होते हैं, ये दोनों किड्स। तो खैर, कहने का मतलब कि अभी जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, वो देखते हैं क्या मसला है मोटर का। तो स्टे विद अस। हमारे घर से इलेक्ट्रिशियन की दुकान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, कोई होगी 5 6 किलोमीटर। खैर, बातें करते कराते साथ इधर भी था, मन्नत भी थी, दोनों थे, करते कराते सफ़र करते पहुँच गए हम 5 10 मिनट में, और हम ठीक 10 या 15 मिनट बाद पहुँचे इलेक्ट्रिशियन के पास। वहाँ जाके मोटर दिखाई इलेक्ट्रिशियन को। ये वो कि इलेक्ट्रिशियन मोटर चेक की, और मोटर चेक करने के बाद उसने देखा कि मोटर की जो वायरिंग वगैरह आती है वो जली पड़ी है। तो उसका हाल ये कहता है रिमेंड वगैरह की जाए और उसको रिमेंड के लिए रख दी जाए। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया,
मैंने रख दी मोटर इलेक्ट्रिशियन के पास और मैंने उसको कहा कि 2 दिन में मुझे बना के दो, क्योंकि घर में पानी वगैरह की ज़रूरत होती है तो मोटर की काफ़ी ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जब जैसे पहले वक्त में हुआ करते थे नलके वगैरह हुआ करते थे हर घर में, लेकिन आप जैसे जैसे आप जदीद आ रहा है तो मोटर ज़्यादा आ गई और नलके जो थे देसी तरीका बहुत सारे हो गए ख़त्म। खैर नलका भी है पड़ा हमारे घर में, वो भी इस्तेमाल करता है लेकिन मोटर ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए रखना पड़ा, मजबूरी थी रिवाने के लिए। तो 2 दिन के लिए दिया गया, तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि 2 दिन के बाद उठा लेना। अब कुछ यूँ हाल है कि मैंने कल फिर जाना है, कल सेकेंड पर टाइम दिया कि इलेक्ट्रिशियन ने रिमाइंड वगैरह कर दूंगा तो फिर उठा लेना। अब देखते हैं कल जाऊंगा, फिर देखते हैं बनी है या नहीं बनी। वो तो कह रहा है इलेक्ट्रिशियन के मर्द जितना जल्दी बना के दे, पैसे ज़्यादा देर ही लगा देते हैं, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। वो इलेक्ट्रिशियन को मोटर देने के बाद हुई घर वापसी, तो जब घर वापस आए तो पता चला कि मन्नत की तबीयत ख़राब है सुबह से, उसके पेट में कुछ दर्द मोशन वगैरह थे। तो फिर प्रोग्राम ये बना कि अब मन्नत को डॉक्टर के पास ले जाया जाए, और मैं भी निकल पड़ा डॉक्टर के। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, बाइक पे ले नहीं गए और हमने ली गाड़ी, गाड़ी पे गए डॉक्टर के पास इधर इंडस हॉस्पिटल नहीं लगे। तो वहाँ हमको 7-8 बजे पहुँच गया है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इमरजेंसी में दिखाया डॉक्टर को, टोकन वगैरह लिया, उसके बाद इमरजेंसी में दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको एक तो ब्लड टेस्ट के, ब्लड वगैरह के टेस्ट वगैरह होंगे, उसने वो सैंपल वगैरह लिए, फिर मोशन वगैरह की जो पेट में दर्द था उसके लिए पहले इंजेक्शन लगाया, फिर बोतल लगाई। तो 1.5-2 घंटे बोतल वगैरह को लगे, उसके बाद कोई हो गया मैं 11:30, 11:45 बजे रात ही 11:45 बजे या 12 बजे हम घर वापस आए। घर वापस आके सो गया मैं, मुझे सोना ही था क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे रात को। तो अभी मैंने सोचा तो चलो ओवर भी आपको दे दूँ, ब्लॉग का जो ब्लॉग पीछे हमने बनाया था उसका पूरा का ओवर भी हो जाए सारे का सारा। तो होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।